शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की कीमतों में लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। 2021 में जहां सोयाबीन के दाम टूटते दिखाई दिए थे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं 2022 में सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार आते दिखाई दिया है। किसानों ने सोयाबीन बेचने का फैसला तब किया था जब उन्हें अपेक्षित मूल्य मिला। किसानों के लिए यह फैसला सही साबित हुआ। अब इस समय बाजारों में सोयाबीन की अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों ने भी कहा है कि भंडारण के फैसले से किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है। सीजन के आखिरी दौर में यह फैसला कामयाब साबित होता नजर आ रहा है। इन दिनों सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि किसान अब भी सोच विचार के सोयाबीन बेचें, क्योंकि अभी आगे और भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बाजार में सोयाबीन के दाम में तेजी ही देखी जा रही है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए किसान अब सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। सोयाबीन के दाम में वृद्धि की उम्मीद है। विदेशों में उत्पादन घटने से सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। आपको बता दें कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है, जिससे वैश्विक उत्पादन में कमी आ सकती है। देशों ने अमेरिकी सोयाबीन की ओर रुख किया है। चीन अमेरिका से सोयाबीन की जमकर खरीदारी कर रहा है। भारत के व्यापारियों ने भी अमेरिका से लगभग 1,00,000 टन सोया तेल के सौदे किए हैं, जिससे अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई घमासान होती जा रही है, जिससे वहां से होने वाले खाद्य तेलों का आयात रुक गया है। ऐसे में भारत में दूसरे खाद्य तेलों के दाम बढ़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस से होने वाले सूरजमुखी तेल की जगह सरसों, सोयाबीन और सीपीओ के तेल की ओर रुख किया जा सकता है। सोया तेल और सीपीओ के दाम पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की कंपनियों ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध का फायदा उठाकर सीपीओ के दाम बढ़ा दिए हैं, और भारत को मजबूरन इन देशों से सीपीओ का तेल आयात करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाजिर के साथ साथ वायदा बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। एनसीडीई एक्सप्रेस सोयाबीन 7,900 के स्तर पर है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन वायदा में जब 6,500 के स्तर देखने को मिले थे, तब से लेकर अब तक सोयाबीन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, और अभी सोयाबीन में और भी बढ़त बनने की उम्मीद है। सोयाबीन के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, जिससे सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन में मौजूदा स्तरों से 5 से 6% की और तेजी देखने को मिल सकती है, और आने वाले 2 से 3 हफ्तों में सोयाबीन वायदा बाजार में 8,500 से ऊपर के भी स्तर दिखा सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।